कितनी देर होगी बारिश होते हुए? क्या कर रहा है तू? खेल रहा है वाइपर के साथ। दोस्तों है बेटा, थोड़ी धूप भी है, ये कैसी बारिश है? छोटू बच्चा बस करे, रख दे रहा मन है, कुछ नहीं तो ज्यादा वहम ना करे, सफाई करेगा ही, बस रख दे, हो गया साफ। ये तो वाइपर तोड़ देगा, रुक जा। रख दे, बहुत खेल लिया। नहीं रे भैया, कौन बोल रहा है? क्या पता कहीं जा रहे होंगे, कहीं जा रहे होंगे। क्या करेगा अब? क्या करना है अभी? हाँ, इसमें नए बैग में डाल ले सारा सामान। दिखा कैसा है तेरा नया बैग। वो क्या होते हैं? बैग में जो रिक्वायरमेंट है ना, वही बुक डालना, बहुत ज्यादा हैवी बैग हो जाता है। कल की डेट कौन सी है? पट्टा लगेगा, डायरी पकड़ो।
क्या हो गया, क्या हो गया? वो तो ठीक आने के जब आएगा ना तो उससे बेटा बनाना लेके आइए, खत्म हो गई सामने वाली शॉप से पैसे वहाँ दे दूंगी पैसे तो ऐसे लेके आ जाओ बैग के साथ नहीं बाद में मैं बताऊंगी। ओह बहुत ज्यादा हवा चल रही है बेटा, आराम से जाइए। सबसे अच्छा फुटबॉल में, सेकंड में मैं और थर्ड में अथर्व। लेकिन अथर्व एकेडमी जाता है तो वो समझते हैं, वो मानता है कि एकेडमी वाला प्लेयर ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने कहा चलो वो हो सकता है ज़्यादा अच्छा है, एकेडमी जाते हैं वो है, मतलब मैं तो मानता नहीं हूँ ऐसा। फिर हाँ, फिर आज मैंने जो सबसे अच्छा खेलता था मैंने उसके साथ मैच लगाया। पहले मैं 5-4 से हारा, फिर अगले मैच में मैंने 3-1 से उसको हराया। तो फिर मैं और मनु फर्स्ट आ गए। अभी आज सबके साथ 1v1 करना है फुटबॉल में। किसको हरा, क्या नाम है उसका?
मन्नू पतला। अच्छा मन्नू, ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तभी तो ये फुटबॉल वगैरह के देखता रहता है सारा दिन। कैसे पता चला ये तुझे? हाँ रोनाल्डो ये बता, ये फुटबॉल के बारे में कैसे पता चला, कैसे इंटरेस्ट हुआ बेटा? क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपकी गर्दन ज्यादा लंबी रमन है या पूंछ ज्यादा लंबी होती है? अगर नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, कैसे इंटरेस्ट हुआ बेटा? अरे यार हो गया यार, मैं सामने काफी। ऑलराइट गाइस, फ्रेंच चैलेंज विद द वन एंड ओनली किलियान एम्बापे, लेट्स गो। ठीक है बेटा, चलो नहा ले हम। कब जाओगे फिर? कल कल ही में देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है भाई इस टाइम। अभी वेस्ट पॉइंट पौधों में डाल देगा ना, मेरी गुरु जी कही जा रहा तू ही लाइ होगा, तू ही लाइ। अभी तो 7 बजे आएगा ना खेलने। नहीं 7 बजे थोड़ी ना आएगा, 7 बजे क्यों आएगा? अभी वाली एकेडमी नहीं है अभी, मेरे कन लगती है अभी। कन लगी? हाँ ऐसे तो कन लगी, ऐसे रहा ऐसे, ये उसी जगह प्लास्टिक की आ लग गई। छोटी सी नहीं कर सकती वो, आता है मोटा होता है वो। करनी तुम्हें, तुमने पैकिंग है? पता नहीं अब तो, चल जाओगे? Thank you.
सोसाइटी से तो कम दूर है तुम्हारा स्कूल, जो अब तुम जा रहे हो जिस सोसाइटी से उससे पास है? नहीं, उससे ज्यादा दूर है। अच्छा, उससे 1 किलोमीटर पड़ेगा। फिर 1 किलोमीटर कह रहा है, इधर से ही 5 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल। और क्या? नहीं, 1 किलोमीटर तो DPS है। 1 किलोमीटर DWPS। और क्या? नहीं, क्यों? 1 किलोमीटर KM आंटी, एमनी KM। तो किलोमीटर ही कह रही हूँ। 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से DPS। और क्या, तुम्हारा तो बल्कि 5 किलोमीटर दूर है। तो स्कूल भी दूर है, फिर भी क्यों जा रही हूँ? आंटी सिक्योरिटी अच्छी है। हाँ भाई, बोलो अब क्या करना है। वर्ल्ड में जा गया, इसमें जा गया, नहीं जा रही है। ओ तेरी दी, तू मेरे कुछ कर, अगर तेरे मारे तो गंदी तरह मेरा पैकिंग कर रहे हो तुम। क्या क्या पैक कर लिया? क्या क्या पैक कर लिया? कुछ नहीं करा अभी तक। फिर तुम नहीं जा रहे? नहीं जा रहे हैं। मन नहीं लगेगा तुम्हारा? लग जाएगा, मेरी अच्छी कंपनी है वहाँ। अच्छी कंपनी है, तुमने बनाई है बस। पहले वहीं रहते थे। फर्स्ट टाइम भाई बात कर। वहीं भी रहते थे। ले कितने साल रहे वहाँ पर? कितने साल रहे? तो यहाँ पे क्यों आ गए फिर? उसके बाद एक और सोसाइटी में गए, वहाँ से यहाँ पे आए। ये हमको घर सरप्राइज मिल गया। हाँ, गिफ्ट। हाँ, तुमने पैसे पे नहीं करे? नहीं करे, मेरे चाचू ने गिफ्ट दिया था, मतलब सरप्राइज दिया। ये घर उन्होंने पहले से खरीद रखा था, जब ये सोसाइटी की सेकेंड लाइन बन रही थी ना। सेकेंड लाइन तो सिर्फ एक घर बन रहा, तब खरीद। फिर क्या, उनका गिफ्ट वापस कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, उसके बाद चाचू आज चले गए, अब हम भी जा रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी अच्छी नहीं है। कहाँ चले गए? चाचू भी चले गए ना यहाँ से, तो हम भी जा रहे हैं क्योंकि ये सोसाइटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छी है बेटा, हमें तो बढ़िया लगती है, इतने लोग तो रहते हैं, 600 फ्लैट है इधर। हाँ, और ये तो सीधी सी गली है ना, वहाँ पे ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, वहाँ पे अगर तू स्केटिंग करेगा इसको मजा आएगा। अरे यार कर यार, क्या कर रहे हैं? रुक जा, मेरा वर्ल्ड नहीं आ रहा। फिर रमन से मिलने नहीं आओगा इधर? रमन को बुलाऊंगा उधर। रमन को बुलाओगा? रुक जा, इधर भी आ जाया करिए अपने दोस्तों के साथ खेलने। हाँ हर्षित, इधर भी आ जाइए अपने दोस्तों के साथ खेलने। इधर मम्मी आएंगे नहीं, फाटक से टाइम लग जाता है। फिर भी कोई काम नहीं गया मेरे दोस्त, सारे यहीं पर रहेंगे, आ जाना खेलने, सारे फ्रेंड्स यही हैं तुम्हारे। हर्षित खुश हो रहा है, जाओगा और सोसाइटी दूसरी सी खुश नहीं हो रहा? अरे ये दोस्तों को मिस करेगा हर्षित। रमन को मिस करेगा? करेगा रमन को मिस? ये तो अच्छा दोस्त है। कितना अच्छा दोस्त है रमन? बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। बराबर। बड़े बड़े हो जाओगे फिर तुम, फिर भी दोस्त रहोगे? नंबर तो है ना? हाँ नंबर तो है। क्या नंबर है? क्या नंबर? अरे इसका नंबर मेरे पास है ना। क्या फोन नंबर? फोन नंबर तो है ही है, कितनी दूर चले जाए। ओए ये क्या फोन से हो गए? देख रहे? रमन बंद करो बेटा ये गेम, हर टाइम गेम जरूरी नहीं होता खेलना। मेरी मम्मी मेरे को खाना खिलाती है, मैं कहता हूँ नहीं जगह है, मेरी मम्मी कहती है बहुत जगह है।
उससे मैं अपना पेट फुला लेता हूँ और फिर रील बनाता हूँ। बुरी दो तो भाई दोप 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 ले आया सब्जी। क्या क्या है बता इसमें, पहले ये बता क्या क्या इसमें। रमन बता तू क्या तो दिया वो मैंने। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा। एक में मैं घर, बता रमन है क्या क्या लेके आया। आलू क्या रेट आए पता नहीं, लेकिन 200 किलो का आया सब। 200 किलो 200 रुपए का आज गया। 2 घंटे तो उनका सामान आ रहा था ताजा। अभी वो एक आदमी ताजा ब्रेड लेके आया था, वो ताजा ब्रेड ले लिया और भैया के सामने पैसे उड़ा के मारा, लो भैया और दो मेरे को 300 रुपए। 200 रुपए का सामान आया। ऐसे पैसा उड़ाया, देखो ऐसे पैसा बहुत है हमारे पास। बता वो नकली नोट खेल ले जाओ इनके साथ सारा दिन। बता क्या बता अभी, रमन है आपको पैसों के साथ खेलना अच्छा लगता है। यस सर। वैसे तो ये बच्चों के जो नकली नोट है सही असली की तरह ही दिख रहे हैं ना बेटा। किसी को मूर्ख बना दूं, लग पाया मूर्ख तो बहुत ज्यादा बन जाएंगे लोग। थोड़ी देर में बाद में देखेंगे, ध्यान आएगा उस पे लिखा मिलेगा चिल्ड्रन रिजर्व बैंक फन ऑफ द डे। नहीं इसको टच करने से ही पता चल जाता है, टच करने से ही पता चल जाएगा। अच्छा केले का नहीं पता, टमाटर और उनका पता है, पर रेट पता नहीं है। 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए दर्जन कैसे हैं? मस्त। छोटे तो नहीं? और पोटैटो 40 एक किलो। टमाटो 40 रुपए के एक किलो। ऑनियन 40 रुपए के एक किलो। बनाना 80 रुपए दर्जन। अच्छा
ये नहीं क्या सिर्फ किलो। वैसे बेटा ऑनलाइन में तो किलो में बेचते हैं बनाना, और महंगे आते हैं वो। बहुत पैसा है, बोझ लग गया तुम्हें। अरे मन लेके आ रहा था, बोझ लग गया। पहली बार काम किया है। चलो ठीक है, खेल ले और स्टडी भी कर ले, ठीक है। हवा खाता हूँ, पंखे की जरूरत ही नहीं है। पहली बार काम किया बेटा, बड़ा हो गया मेरा बेटा। मम्मी का सपोर्ट किया कर, ठीक है। चलो मैं सो रहा हूँ। सो जा। रुको, हम पैसे वाले लोग हैं, हम ऐसे सोएंगे। और बता अपनी क्रिएटिविटी। अगर मैं खाऊंगा ना तो पैसे खाऊंगा। ये मेरे पैसे पेट में आ गए अब। चलो भाई पैसों पेट के अंदर जाओ, चलो बाय। अगर मैं पढ़ूंगा तो पैसे को पढ़ूंगा, और अगर मैं खाऊंगा तो पैसे को खाऊंगा। आओ, मोटा हो गया पेट, तिबड़ी दो। किस चीज की तैयारी कर ली रमन है? हाँ बेटा, अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है मेरा बेटा। क्या प्रोजेक्ट बना रहा है? ओ बुक में कवर चढ़ा रहेगा प्रोजेक्ट। अच्छा बुक में कवर चढ़ा रहा है, ठीक है, लगा रहे। कवर खत्म होने वाले हैं, बस ये लास्ट नोटबुक है और कवर भी लास्ट है। कर रहा हूँ, फिर आप आओगे बीच में, देख लेना। आप आओगे मैं करती हूँ। टेस्ट नोटबुक, ये एसएसटी की ज्योग्राफी, ये सिविक्स,
ये हिस्ट्री हिस्ट्री की बड़ी लगानी पड़ी थोड़ी, ये कंप्यूटर और ये, अरे इनमें नाम भी तो लिखने हैं यार, इनमें नाम लिखने हैं अपने गोल्डन पेन से, मेरा गोल्डन पेन, ये देखो भाई गोल्डन पेन। क्या कर रहा है बेटा? मम्मी एसी की सर्विस कर रहा हूँ, अभी तो मैं खेल के आया हूँ। आपने कॉल कर रहे थे ना एसी की सर्विस करने का, मेरे को दिमाग से एकदम से आइडिया आया कि ये जो एसी का जाली होता है ना, अगर इसको हम साफ करेंगे तो हमारे अंदर ठंडी हवा आएगी एसी से, तो बस उसकी सर्विस कर रहा हूँ। ब्रेन देखो सर्विस, एसी की सर्विस ऐसी होती है। इसको हाँ खड़ा कर ले बेटा, इसको ये कर ले ना, ब्रश ले ले उसके साथ रगड़। ले लो भाई, गर्मी की तैयारी शुरू होगी। इसमें वो वाला पानी क्यों डाला बेटा? इसका सरफ का ही पानी, इसमें यही पानी डाल देना, इसी को ऐसे ब्रश में भर के और इसी से रगड़ ले, है ना? काला काला उतर रहा है ना बेटा? हाँ, तो ये इससे सारी जाली वो हो रही थी, स्टॉप हो रही थी एकदम से, वो ब्लॉकेज नहीं कहते, ब्लॉकेज हो रही थी, तो फिर ये है ना ठंडी हवा नहीं आती है, ऐसे ही चलता रहता है, ये पंखे की तरह चलता है एसी। अब ये साफ़ हो जाएगी ना, फिर ये अच्छे से ठंडी हवा देगा। कितने एयरप्लेन आते हैं ये, रमन मुझे तो नहीं गया अभी तक गर्मी लगती, मुझे नहीं लगी अभी तक गर्मी, जरूरत ही नहीं है मुझे तो एसी की। मेरे को है। है? मेरे को है। क्यों? बस है यार। गर्मी लगती है मेरे बेटे को बहुत ज्यादा, कालापन उतर गया ये तो ना, देख लिया। देखो बेटा हवा में इतनी गंदगी होती है, हम बाहर भी निकलते हैं ना, यही कालापन जम जाता है हमारे अंदर भी। रमन ये जाली कैसे उतारी? मैं पहले बैठने चला, मम्मी ने मेरे को ऊपर उठाया, फिर मैंने एसी के ऊपर से जाली उतार दी। क्या टेक्निक है, क्या जरूरत है बताओ एसी सर्विस वालों को बुलाने की? मेरा बेटा ही कर देगा, बड़ा नहीं हो गया? ओ, साफ निकला है ना बेटा। नहीं हुआ, ऐसे ही बस रिकॉर्ड कर रही थी। अपनी सोसाइटी की गली, सारे बच्चे गए बेटा, कोई नहीं खेल रहा अब तो। ये मत लेना बेटी,
इसमें एक बार और अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, अभी तो रहता है ये साइड कालापन। साफ पानी मत डाल, ये सरफ से ही उतरेगा। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत कर। मजा आ रहा धोने में? आ रहा मन, मजा आ रहा है? बता भी। अब ये मत सोचना कि काम करवा लूँ घर से। मजा आ रहा है रमन? हाँ मम्मी बहुत मजा आ रहा है। क्या लग रहा है? मैं कोई खेल रहा हूँ। कोई खेल खेल रहा है? बस बेटा जल्दी करो, बहुत खेल लिया। सही है रमन, बढ़िया साफ कर दिया। काला करूंगा ना तो काला हो जाएगा वापस पूरा। अब अपने शूज भी धोने लग जा, ठीक है? बड़ा हो गया मेरी बेटी। अब आखिरी बार इसमें धो लेता हूं साफ पानी। हाँ ये टैप चला दी। बिल्कुल साफ होगी, सीधा कर लेना, ऐसे मत कर रहा मैंने, सीधा दिखा कैसा हो गया। बिल्कुल साफ हो गया, क्रिस्टल। एक मिनट दिखा कितना ब्लैक था, अब देखो ब्लैक था बिल्कुल, अब क्रिस्टल कर दिया मेरी बेटी ने। देखो कितना काले है। ये लो भाई, ये लो, ये रे। चाहे मुँह रमन, तेरा मुँह दिखा इस डाली में, पीछे जा, रुक जा, एक्सपेरिमेंट। पानी रुक, सही है बेटा। इसको बताऊँ एक बार, नीचे रुक जा, जैसे छलने को झटकाते हैं ऐसे झटका, ऐसे झाड़ दे रमन जोर से, मिट्टी मत लगा। हाँ अब दिखा, अब फेस दिखा अपना। हाँ अब और भी क्लियर दिख रहा, दिखा 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 बेटा, ऐसी लाइटिंग लग रही है थोड़ी सी। पूंजू क्या पूंजू? नहीं नहीं पूंजना नहीं बेटा। क्यों? इधर है ना लाइटिंग लग रही है, ये इधर इधर आ, हाँ इधर आ, इधर आ, सामने आ, इधर आ। हाँ ये चमकने लग गया बिल्कुल, जाली भी और रमन का फेस भी। सही है बेटा, देख ले इसको ऐसे। अब आ जाइए, जाना आगे जाइए बेटा। मैं नहीं जा रहा अब, नहीं जा रहा, चल ठीक है, पकड़ इसको। ऐसी सर्विस तो सर्विस वाला भी नहीं होता, ये होता है घर के काम और घर के अपने काम। देसी लोग, ठीक है। मुझे उठाना पड़ेगा पहले, फिर लगेगी, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। खींचनी तो आसान थी, एडजस्ट करनी पड़ेगी इसमें। कैसे एडजस्ट करेगा? आपको उठाना पड़ेगा। ये ले मैं आती हूँ, उठाती हूँ, रुक जा, फोन इसको बंद कर देती हूँ। सेटअप भी कर सकते हो, वो है ना वो सेटअप वाला। तो कोई ना, रिकॉर्डिंग क्या करनी है, इसको ऐसे लगा के फिर देख लेंगे। मैं उठाती, रुक जा वन मिनट। लगाऊंगा किस तरह से, इधर को ऐसे को लगाऊंगा या फिर ऐसे उल्टा करके? किस तरह को, कैसे उल्टा करके लगाऊंगा, ऐसे को लगाऊंगा या फिर? उतारा कैसे था, याद नहीं है? ऐसे उतारा था। तो तभी तो ना, उतारते वक्त याद रखो, फिर वैसे ही लगेगा। चलो फिर चलो, आ रही हूँ। चलो ओके ओके, रमन रुक जा। एसी चालू हो चुका है भाई, लगाते हुए हालत खराब होगी। मम्मी ने उठाया नहीं हुआ, और उठाया नहीं हुआ, फिर भाई यहाँ पे बैठना पड़ा, कंधे में बैठना पड़ा। फिर कंधे में बैठने के बाद
फिर जाके 2 घंटे बाद हुआ। अभी देखते हैं आती है क्या नहीं इसमें हवा। दो घंटे नहीं बेटा, लगभग आप 15 मिनट तो लगी गई होगी है ना लगाते हुए, बार बार निकालना से ही एडजस्ट नहीं हो रहा था ये। यार इसके विंग्स एक ही जगह कैसे रखते हैं? बोल गया ऐसे चलाना, इतना वो कम ऐसे मत कर। 2 दिन सही बताओ रहा मन, सही ठंड थी जो होती है, मतलब पंखे पंखे की जरूरत थी और अब भी पंखे की जरूरत है, लेकिन 2 दिन हो गए, 2 दिन से गर्मी ज़्यादा है मेरे ख्याल में। तभी तो कुछ भी, पहले कंबल ओढ़ते थे अब तो कंबल भी अलग रख दिया, ओढ़ने की जरूरत ही नहीं, अब बिल्कुल ठंड नहीं लगती, सुबह भी नहीं लगती, इसलिए गर्मी आ ही गई। चलो एसी का काम कर ही लिया, अब ठीक है, अब खुश है, है? काम करके मजा आया है। ठीक है बेटा, यार ये मैं चादर बदलती हूँ, इसको भी धोएंगे आज। आज ये कर दोगे क्या? अभी रात को करेंगे आप? नहीं मैं ये दूसरी चादर बिछाऊंगी बेटा। रात को? अच्छा चलो फिर। कई काम है ये छोटे छोटे करने हैं। ये क्या है मम्मी? आराम से देख बेटा। क्या है? मैंने ये बहुत वीडियो में देखा है, यहाँ पे हम डालते हैं फल, फिर अपन नीचे होते हैं और यहाँ से पानी आ जाता है और ऐसे डालते हैं। फ्रूट जूस आ जाता है पानी के, इसको 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 ओपन कर दे। क्या है ये? अच्छा इसको कैसे लगाएंगे? इधर दिखाना कैसे? अच्छा ऐसे इसके अंदर फल डाले, निचोड़ा, अच्छा, जूस कैसे निकालेंगे? रुक जाओ, जूस कैसे निकालेंगे? फिर यहाँ पे आ जाएगा जूस, यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा जूस, फिर निकल जाएगा बट ऐसे मैं मुझे दे। अरे ऐसे नहीं, रुको रुको, आप रुको, टाइम ना लगाओ, फिर ऐसे इधर से आता है, ट्राई करूँ अभी टाइम है, बस एक फल रमन, अभी नहीं बेटा ज्यादा लंबा हो जाएगा, टाइमिंग की कमी है। ये क्या है तुम? ये क्या है? ये बेटा इसको खोलना, एक बार ओपन कर, इसको ऐसे घुमा दे ऐसे। हाँ ये इसमें पता है क्या है बेटा, इसमें जैसे रोटियां रखेंगे वो भी गर्म रहेगी 7-8 घंटे, कोई सब्जी या पानी, जैसे पानी ठंडा रखना है तो ठंडा ही रहेगा इसमें कई देर तक, गर्म पानी रखोगे तो गर्म ही रहेगा, सब्जी गर्म है तो सब्जी गर्म ही रहेगी। हाँ मल्टीपर्पज़ के लिए यूज है बेटा, आजकल है ना मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो भी गंदी मिट्टी के आते हैं, तो ये ठीक है स्टेनलेस स्टील है और इसमें पानी रखा करेंगे ठंडा, जो ताज़ा पानी है वो ठंडा ही रहेगा, ज़्यादा फ्रिज की जरूरत ही नहीं है। फ्रिज का पानी वैसे ही तकलीफ देता है, फ्रिज का पानी नुकसान करता है, फ्रिज ये अपने लिए फ्रिज का ही काम करेगा। हाँ ये गर्म फ्रिज को गर्म ही रखता है, ठंडे को ठंडा ही रखता है, इसमें बर्फ डाल दिया। गरम पानी रखेंगे तो ठंडा कर देगा क्या? नहीं वो वाला नहीं है। तो फ्रिज क्यों नहीं लाते? इसको खोल पहले, इसको मैं बताती हूँ। उधर वो माना,
ऐसे नहीं करते। ठीक है बना ले। Thank you.